हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द 117 में। देखो भाई, आपने थंबनेल देखा होगा कि अब आपको जियो में अलग से पैसे देने पड़ेंगे कॉल करने के लिए। अगर आप दूसरे किसी भी नेटवर्क में फ़ोन करते हो तो वहां पर आपको 6 पैसा प्रति मिनट की दर से पैसा देना पड़ेगा। अब भाई ऐसा क्यों, हमने अनलिमिटेड रिचार्ज करवा रखा है, आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों है कि हमें अलग से मानो रिचार्ज करवाना पड़ेगा, अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो फिर हमारा अनलिमिटेड पैक का यहाँ पर क्या फ़ायदा? तो यहाँ पर पूरा मामला कुछ और है, पीछे का सच कुछ और है। जियो को दोष देने से पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेना। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई भी कंपनी में पैसा नहीं देती, इसलिए कोई वीडियो में ये कमेंट मत करना कि भाई तुम्हें पैसा खिलाया गया है। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान आप लोग जरूर देना। तो पीछे का पूरा मामला जानने के लिए कि जियो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा कॉल करने के लिए, अधिक जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज का पूरा वीडियो। देखो भाई, ट्राई से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, अब जियो ऐसा कर रहा है, इसके पीछे कौन वजह है? इसके पीछे भी ट्राई का ही हाथ है। अब देखो, आईयूसी बोल के एक चार्ज होता है जो कि किसी एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को देना पड़ता है अगर उस ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के पास कॉल जाए। मानो जियो टू एयरटेल कॉल जाता है तो जियो वाले को एयरटेल को 6 पैसा प्रति मिनट के दर से चार्ज देना पड़ता है, जो कि ट्राई द्वारा यहां पर फिक्स किया गया है। और ट्राई ने पहले यह कहा था कि ये आईयूसी चार्जेस 1 जनवरी 2020 तक खत्म कर दिया जाएगा, बट ट्राई का लेटेस्ट स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि इस डेट को अभी हटाया जा रहा है। अभी इस पर फिर से विचार परामर्श किया जाएगा कि इस नियम को अभी लागू किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दूसरे सारे कंपनी का इनकम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में जियो ने करीबन दूसरे ऑपरेटर को 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उन्होंने दिया है। मतलब एक तरह से कह लो वो उन कंपनियों के इनकम का सोर्स है। अगर जियो उनको पैसा ना दे तो उनको ये कमाई होगा कहाँ से? तो शायद यहाँ पर ट्राई का ही कुछ मामला है, जिसकी वजह से मतलब सोच लो उनका आपस में कुछ यहाँ पर जरूर हुआ होगा, जिसके वजह से इस डेट को फिर से यहाँ पर टाला जा रहा है कि भाई आईयूसी चार्जेस को यहाँ पर हटाया ना जाए, 6 पैसे प्रति मिनट के दर से उन्हें मिलता रहे। अब देखो, न जाने कितने ऐसे कॉल्स जियो की तरफ से दूसरे नेटवर्क में जाता है, क्योंकि दूसरे नेटवर्क वाले जियो वाले को मिस कॉल बहुत ज़्यादा मारते हैं, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, मिस कॉल बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर रिटर्न कॉल बैक कस्टमर जरूर करते ही करते हैं। तो 13,000 करोड़ अभी तक पे कर चुके हैं। अब देखो, इस डेट को यहाँ पर हटाया जा रहा है तो जियो ने मजबूरन एक फैसला यहाँ पर लिया है कि जब तक इस आईयूसी को फ्री नहीं किया जाता तब तक ये जो 6 पैसा प्रति मिनट का जो चार्ज है ये कस्टमर के अकाउंट में डाला जाएगा। मतलब अब आप दूसरे नेटवर्क में कभी भी कॉल करोगे तो वहां पर आपको 6 पैसे प्रति मिनट की दर से पैसे देने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। मतलब वो आपका अनलिमिटेड पैक वाले से वहां पर काम नहीं चलने वाला है, वहां पर आपको अतिरिक्त पैसा वहां पर टॉपअप रिचार्ज करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप 10 का टॉपअप रिचार्ज कर सकते हो, जहां पर आपको टोटल 124 मिनट मिलेगा, और साथ ही इसके बदले जियो आपको 1 GB डेटा भी दे रहा है, 10 रुपये में 1 GB डेटा दे रहा है। और इसकी कोई फिक्स्ड वैलिडिटी नहीं है, ये जो टॉपअप है ये आपका अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। मतलब एक बार आप करो, जब तक आप पूरा खत्म नहीं होता तब तक आपका ये रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे आप 20 का टॉपअप कर सकते हो, जहां पर आपको 249 मिनट्स वहां पर मिलेगा, जहां पर आप दूसरे नेटवर्क में फॉलो कर सकते हो और वहां पर आपको 2 GB का डेटा मिलेगा। इस तरह आप 50-100 का भी टॉपअप रिचार्जेस कर सकते हो। मतलब आप सोच लो कि 10 रुपये आपको हर महीना अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ज़्यादा यहाँ पर महंगा नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर ये जो सारा कारनामा हो रखा है इसका वजह ट्राई ही है। ट्राई ने बहुत सारे कारनामे किए हैं, हमने आपको सारे कारनामे उनके बताए हैं कि ट्राई ने ऐसा किया वैसा किया, रूल्स लगाया, उसके वजह से कस्टमर का क्या क्या हाल हो रखा है ये आप सभी लोगों को पता है। तो ट्राई आपको यहाँ पर 10 रुपये अतिरिक्त खर्चा करवा रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे नेटवर्क में फ़ोन करते हो या फिर आप हमेशा दूसरे नेटवर्क में ही फ़ोन करते हो तो फिर आपको 50-100 रुपये वहाँ पर टॉपअप वाउचर का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और उसके बदले में आपको इंटरनेट यूजेस भी मिल जाएगा, आपको डेटा भी वहाँ पर मिल जाएगा, आप इंटरनेट भी अलग से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, यही आज का एक धमाकेदार न्यूज़, एक तरह से अच्छा भी न्यूज़ ये नहीं है कि आपको अलग से अब पैसा देना पड़ रहा है, बट पीछे का पूरा पूरी सच यही है। ट्राई ही पूरा पूरी यहाँ पर जिम्मेवार है। आईयूसी चार्जेस यहाँ पर ख़त्म जब तक नहीं किया जाएगा तब तक मुश्किल है। और देखो, ये उनका आपस में कुछ जरूर हुआ होगा कि जो डेट एक बार फिक्स किया गया था कि 1 जनवरी 2020 से यहाँ पर इस आईयूसी चार्जेस को ख़त्म किया जाएगा, अब ट्राई अपने ही फैसले में फिर से यहाँ पर विचार करेगा, फिर से नहीं हटाएगा, और अगर हट जाता है तो दूसरे कंपनी का यहाँ पर कुछ इनकम खत्म हो जाएगा, सोच लो उनका सब्सिडी उनसे छीन लिया जा रहा है। तो यही है पूरा पूरी मामला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जियो यूजर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, सो सभी जियो यूजर्स के पास ये वीडियो आप जरूर पहुँचा दो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलता है एक और नए वीडियो में,
तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।